संघर्ष में हर आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जगह हंसा है, इतिहास भी उसी ने रचा है। ना चिड़िया की कोई कमाई है, ना कोई उसका कारोबार है, लेकिन फिर भी हौसले से अपना आबोदाना वो ढूंढी लेती है, उठाती है जो खतरा हर कदम डूब जाने का, वह कश्ती भी समुन्द्र का किनारा ढूंढ लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसप्रीत, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हार्डवेयर जंक्शन पर। दोस्तों, कोविड-19 पैनेडेमिक के इस परेशानी वाले वक्त में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके दिल के करीबी सभी लोग स्वस्थ रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है दोस्तों कि स्क्रू से हम पेंटिंग कैसे बनाएं। जैसा कि हमने अपनी आखिरी वीडियो में आपसे डिस्कस करा था कि हम आपको स्क्रू से पेंटिंग बनाना सिखाएंगे। स्क्रू से पेंटिंग बनाने के लिए दोस्तों आपको केवल 8 चीजें चाहिए। 8 चीजों में से आधी से ज्यादा चीजें ऑलरेडी आपके घर में होती हैं। शुरुआत करते हैं। पहली चीज है दोस्तों, आपको चाहिए MDF बोर्ड। जिस साइज की भी आपको पेंटिंग बनानी है, उस साइज का MDF बोर्ड आप किसी भी प्लाईबोर्ड की दुकान से खरीद सकते हैं। एक आपको चाहिए MDF बोर्ड। दूसरी चीज आपको चाहिए दोस्तों कि आप इसमें एक मेजरिंग टेप, फीता इंच टेप जिसको बोलते हैं, वो भी आप लोगों घरों में होता है, एक आपको इंच टेप चाहिए। तीसरी चीज आपको चाहिए दोस्तों हथौड़ी। हथौड़ी यानी कि हैमर। हैमर भी घरों में होती है दोस्तों, किसी भी प्रकार की सादी हथौड़ी चल जाएगी। और चौथी चीज आपको चाहिए दोस्तों, केवल दो से तीन पीस कील का, यानी कि नेल्स, 2 से 3 कीलें आपको चाहिए। उसके अलावा आपको दोस्तों चाहिए स्क्रू ड्राइवर। एक आपको दोस्तों चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर, दूसरा आपको चाहिए मैनुअल हाथ वाला स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस। एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर इसलिए चाहिए कि मेहनत ज्यादा हाथ से ना करनी पड़े, और एक चाहिए नॉर्मल पेचकस, जो हाथ से चलने वाला, नॉर्मल हाथ से कसने वाला पेचकस जो होता है। और दोस्तों आपको चाहिए एक स्प्रे पेंट, और आपको चाहिए स्क्रू। स्क्रू में दोस्तों आपको, जैसे कि सबसे पहले मैंने जो आपको MDF बताया था, MDF आपको चाहिए 1/4 इंच मोटा, केवल 1/4 इंच मोटा MDF, केवल उस साइज का जिस साइज की आपको पेंटिंग बनानी है। दूसरा जो आपको स्क्रू चाहिए, स्क्रू भी दोस्तों आपको 1/4 इंची के स्टेनलेस स्टील के, प्योर स्टील के स्क्रू चाहिए। अगर आप प्योर स्टील के स्क्रू नहीं लेते हैं तो आपको पेंटिंग पेंट करके बनानी पड़ेगी, जिससे कि उस पर दोबारा जंग ना लगे कभी। इसीलिए दोस्तों जो आपको 1/4 इंची के पेज चाहिए, वो आपको स्टेनलेस स्टील के चाहिए, CSK यानी कि चपटी खोपड़ी, CSK हेड चपटी खोपड़ी को बोलते हैं दोस्तों, चपटी खोपड़ी 4 मुंह वाला, यानी कि फिलिप हेड, CSK फिलिप्स, फिलिप्स का मतलब 4 मुंह वाला पेज होता है दोस्तों। चपटी खोपड़ी 4 मुंह वाला 1/4 इंची का पेज चाहिए, जिसमें कि 4 अलग अलग मोटाई चाहिए, यानी कि 1/4 इंची के पेज को बोलते हैं 19 नंबर का पेज। कभी भी आप दुकानदार से 1/4 इंच का पेज बोलेंगे तो वो अपने लड़के से बोलेगा 5/19 का पेज दे दे या 6/19 का पेज दे, डेट मीन्स कि वो 19 नंबर यानी कि 1/4 इंची, 19 नंबर का दोस्तों मतलब हुआ 19 mm, और मोटाई उसकी चाहिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। ऐसा इसलिए दोस्तों, कहीं पेंटिंग में मोटा पेज लगाना पड़ेगा, कहीं पतला पेज लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका डिजाइन की सिमेट्री बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पेंटिंग बनाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी चीज आपको टाइप करनी है या जिस भी चीज का आपको स्केच बनाना है, उसको आप कंप्यूटर में किसी भी, मतलब कंप्यूटर में या आप वर्ड में, एक्सेल में, कहीं भी उसको टाइप कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, या इंटरनेट से उसकी इमेज निकाल लीजिए। उसके बाद उस फाइल को दोस्तों आप जिस साइज का पेंटिंग आपका MDF है उसका नाप ले लीजिए, इंची टेप आपके पास है ही है। एक आपको मास्किंग टेप और चाहिए दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि आप जब उसको पेंटिंग को MDF का जो आप साइज नाप लेंगे, उसी साइज का आपने जो टाइप करा है कंप्यूटर में, उसका रेशियो उसी साइज पे सेट करके उस फाइल को आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सेल पे एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि आप जब व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे, व्यू वाले ऑप्शन में पेज लेआउट का एक ऑप्शन होता है, पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाके आप ये देख सकते हैं कि ये कितने पेजेस में पेंटिंग छपके आएगी। यानी कि आपको अभी समझने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, देखिए सिंपल सी थ्योरी है। हमको पेंटिंग बनानी है खूब बड़ी, A4 पेपर का साइज, जो नॉर्मल घरों में प्रिंटर होता है उसमें A4 पेपर का साइज छप के आता है। अभी हमको क्या करना है, खूब बड़ी पेंटिंग बनानी है। खूब बड़ी पेंटिंग बनाने के लिए मल्टीपल A4 के साइज के पेज हमें छापने पड़ेंगे। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि पहले आप साइज देखिए पेंटिंग का क्या है, उस साइज की आप फाइल का लेआउट पूरा तैयार कर लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर में, जिसको भी आप यूज करना आसान मानते हो उसमें आप अपना स्केच तैयार कर लीजिए, जैसा कि हमने ये करा है दोस्तों। इस स्केच में हमने क्या करा है, हमने सिंपल एक फॉन्ट में, आउटलाइन वाले फॉन्ट में, आप किसी भी फॉन्ट में इसको बना सकते हो, हमने सिंपल आउटलाइन वाले फॉन्ट में इसको टाइप किया, टाइप करके एक्सेल में एक्सपोर्ट किया, एक्सेल में एक्सपोर्ट करा, इसको व्यू करके पेज लेआउट ऑप्शन में गए, उसमें हमें पता चला ये कितनी जगह में, कितने पेजेस में छपके आएगी। फिर उसका पेज प्रीव्यू करा, जहां हमने उसको सेट करना था ऊपर नीचे आगे पीछे उसको सेट करा, और केवल प्रिंट की कमांड दे दी। जैसे कि ये पेंटिंग मेरे ख्याल 8 से 12 कागज में
जो हमने आपको अभी दिखाया प्रीव्यू, ये 8 से 12 कागज A4 वालों में छपके आई है। हमने अब क्या करा, उसको जहां जहां उसकी एजेस खत्म हो रही थी, काले रंग के प्रिंटर का जो काले रंग का प्रिंटआउट आया था, उसकी जहां जहां एजेस खत्म हो रही है कागज में, वहां से कागज को हमने सीजर से कैंची से काट लिया। काटने के बाद सारे कागज एक साथ रख के पीछे से या आगे से कहीं से भी आप मास्किंग टेप आती है हार्डवेयर की, हर दुकान पे मास्किंग टेप मिलती है, पेपर की टेप होती है, ये है मास्किंग टेप। इस तरीके की टेप आप उठाइए और उसको चिपका लीजिए। चिपका के क्या, सिंगल स्केच जैसे कि ये पूरा आप तैयार देख रहे हैं हमारा स्केच, इसमें 8 से 12 कागज जुड़े हुए हैं, पूरा स्केच आप उसको तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पूरे स्केच को या ग्राफिक को आप अपने MDF बोर्ड पे आपको ये पेस्ट करना है। पेस्ट करने से पहले भी दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस पूरे MDF को ब्लैक कलर के स्प्रे पेंट से पेंट कर दीजिए। ब्लैक कलर का पेंट ही मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, स्प्रे पेंट, एक तो स्प्रे पेंट करना आसान है, फिर उसकी सरफेस यूनिफॉर्म आती है, दूसरी चीज जो ब्लैक कलर से आप उसको करेंगे तो उसका लुक रस्टिक आएगा, रस्टिक लुक बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, एंटीक सी फिनिश आ जाती है। अब आप जब उसको पेंट कर लेंगे उसके ऊपर आप ये ग्राफिक को लगा दीजिए, इसको मास्किंग टेप से ही उसके ऊपर चिपका दीजिए। मास्किंग टेप से चिपकाने पर आपका नीचे का पेंट किया हुआ खराब नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने आपको जो बताया था कि आपको चाहिए कीले और आपको चाहिए हथौड़ी। अब जो इसकी आउटलाइन है, जो आप इस स्केच की पूरी आउटलाइन को देख रहे हैं, जो जो हमने टाइप कर रखा है या जो भी आपको बनाना है, उतनी जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी का आप जो स्क्रू लाएंगे उसके हेड का साइज देख लीजिए, उतना गैप करके कील से हल्के हल्के छोटे छोटे खड्डे करते चले जाइए। खड्डे करने से क्या होगा दोस्तों, इस पेंटिंग का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो खड्डे करके जो लेआउट आएगा, आप जब इसके ऊपर से कागज हटा देंगे, यदि आपका मिलने वाला कोई भी उसे देखेगा, वो आपसे 10 बार पूछेगा कि इतना क्लियर आपने इमेज कैसे इसके ऊपर छाप दी खड्डे करके। ये खड्डे का ही सबसे मेन दोस्तों रोल है। करना क्या है, जब आप ऐसा कर लेंगे उसके बाद हाथ वाले स्क्रू ड्राइवर से, आप थक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर से या जिसमें आपको आसानी हो आप स्क्रू कसते चले जाएंगे। अब करना क्या पड़ेगा दोस्तों, कहीं तो आपको मोटा पेच लगाना पड़ेगा, कहीं आपको पतला पेच लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो उसका हेड है, हेड से हमारी जो फॉन्ट की सिमेट्री है वो पतली मोटी पेच के आधार पे ही आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको 4 साइज के स्क्रू मैंने आपको बताया था, 4/19, 5/19, 6/19, 8/19, CS के चपटी खोपड़ी हो गया, फिलिप हेड 4 मुंह का चाहिए, स्क्रू ड्राइवर भी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर बता दिया, कील और हथौड़ी का इस्तेमाल आपको बता दिया कि कहां पर होना है। अब आपका जब ये लेआउट छप के आ गया, अब आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल इससे पेच कसते चले जाने हैं। जब आप इस पे पेच कसते चले जाएंगे, एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, जो ये पेंटिंग बन के आएगी लाजवाब दिखेगी, लाजवाब पेंटिंग दिखेगी। और इस तरीके से आप पेंटिंग को अपनी जब पूरा कर लेंगे, इसके पीछे दो आप हैंगिंग ब्रैकेट लगा के इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। हैंग करते टाइम ध्यान रखना दोस्तों, इस पेंटिंग का वजन एक नॉर्मल पेंटिंग से काफी ज्यादा होगा, तो जो भी सिस्टम से आप इसको हैंग करें ये ध्यान रखें कहीं ये गिरे ना, किसी भी तरीके से गिर के किसी को चोट ना लगे। अभी क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने ये एक पेंटिंग आज से 5 साल पहले बनाई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हार्डवेयर जंक्शन का, यानी कि हमारे चैनल भी कह लीजिए, हमारी कंपनी का ये लोगो है, इसको हमने 5 साल पहले बनाया था स्टेनलेस स्टील के स्क्रू से। इसमें ये चारों साइज के स्क्रू जो 4/19, 5/19, 6/19, 8/19 मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ही इसमें लगे हुए हैं, तो उस वजह से ये इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है के जिसकी कहने की कोई हद नहीं। अब क्या है, अभी हम एक नई चीज इसमें बना रहे हैं, अपना सिख धर्म में, मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूं, सिख धर्म में मूल मंत्र जो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इस मूल मंत्र को हमने इस बोर्ड पे लिखा है, ये देखिए, इस तरीके से जैसे हम एक ओंकार पूरा लिख चुके हैं, इस तरीके से इस पेंटिंग को हम तैयार कर रहे हैं, जो कि सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत जरूर है, मेहनत के बाद जो उसका रिजल्ट है दोस्तों उसकी कोई कीमत नहीं आप लगा सकते, इस पेंटिंग की आप कोई कीमत नहीं आंकड़ा लगा सकते कि यह क्या कितने की होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत है बनाने में। अगर आप अभी जैसे कोविड की आप लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय का आप अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप इस तरीके की पेंटिंग बनाइए और इसको आप अपने घर में कहीं भी इसको आप टांग सकते हैं, घर में दुकान में, जैसे कि घर के बाहर के नंबर होते हैं मकान का नंबर, कि आपका मकान जैसे B147 है सपोज कीजिए, इस तरीके से आप घर के बाहर लगा सकते हैं। अच्छा, लगाने का एक तरीका दोस्तों और भी है जो मजबूत है, इसके चारों कोनों में आप 4 छेद कर लीजिए, 4 छेद करके एक स्पेसर स्टेनलेस स्टील का स्पेसर, ये देखिए, ये हार्डवेयर की हर दुकान में आता है, तो 2 इंच का स्पेसर आप 4 ले लीजिए, 4 सुराख जो आप करेंगे वो 2 सूत यानी कि 6 mm के 4 सुराख चारों कोनों में करेंगे, जैसे हमने कर रखे हैं, ये देखिए। जब आप इस तरीके के सुराख आप कर लेंगे, उसके बाद आप
दीवार में स्पेसर को टाइट कीजिए, टाइट करके पेंटिंग ऊपर रख के ऊपर से नट टाइट कर दीजिए। ऐसा करने से वो खूबसूरत भी लगेगी, कभी खराब नहीं होगी। अब ये जो स्पेसर आप इसमें देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का, दोस्तों एक्चुअल में स्पेसर आता है स्टेनलेस स्टील का, सिल्वर कलर का। हमने क्या करा, जिस स्प्रे पेंट से इस पेंटिंग में काला रंग डाला है उसी स्प्रे पेंट से इस स्पेसर को लगाने से पहले इस पे भी डाल दिया था। चूंकि स्पेसर की जो सरफेस है वो फर्म होती है तो इसके ऊपर वो ग्लॉसी फिनिश में आ गया और जो MDF है वो पेंट को पी जाता है, इस वजह से उसमें वो रस्टिक फिनिश का आ गया। पेंट सेम है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप इस पेंटिंग को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, आपको अच्छा लगा, प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत मेहनत है दोस्तों, इस मेहनत को मैंने जो आपसे शेयर करा है ये मैं नहीं समझता कि किसी और ने भी आपसे करा होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूं कि आप इसको प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और ज्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आप अपना सामान, दुकानदार जो है अपने सामान को कैसे बेच सकता है, जिससे कि पुराना पहले आया हुआ सामान पहले बिके, बाद में आया हुआ सामान बाद में बिके। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हम जल्द ही लौट कर आएंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।